हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संतान की समृद्धि के लिए और उसको संकटों से बचाने के लिए सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये व्रत निसंतान दंपतियों के लिए वरदान स्वरूप है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का व्रत किस दिन रखें, एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और व्रत का पारण यानी व्रत को कितने बजे खोलना शुभ होगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। इस एकादशी पर जिन प्रमुख मंत्रों का जाप करना चाहिए वे मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री विष्णुवे नमः। इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अवश्य चढ़ाना चाहिए और साथ ही केसर और तुलसी मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें तथा भोग लगाएं। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी दल ना तोड़े, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने और संतान की उन्नति की कामना करने से कार्य सिद्ध होते हैं और बच्चों के भविष्य में बाधाएं नहीं आती है। इस दिन निसंतान दंपति गरीब बच्चों को अन्न वस्त्र गुड़ घी का दान अवश्य करें, इससे जल्द ही सुनी गोद भर जाती है। सावन मास में एकादशी होने के कारण इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये एकादशी दिन रविवार को पड़ रही है, इसलिए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। सावन मास के पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को रात 12:08 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त को रात्रि 9:32 पर। 27 अगस्त को सूर्योदय सुबह 6:04 पर होगा और सूर्यास्त 6:40 पर होगा। 27 अगस्त को राहु काल का समय 5:05 से लेकर शाम 6:40 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 अगस्त को रात्रि 9:32 से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को शाम 6:23 तक रहेगी। एकादशी व्रत का खोलने का शुभ समय होगा 28 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:10 के मध्य में। व्रत खोलने पर एक बार पुनः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हम सभी पर बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्णा।